बेटमा में वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए अब विज्ञान के साथ साथ धर्म ज्ञान अनुष्ठान और महायज्ञ का सहारा भी लिया जा रहा है। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ मध्य प्रदेश के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए बेटमा में आज एक दिवसीय एक कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन विद्वान आचार्यों के मार्गदर्शन में किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के पूर्ण पालन के साथ आयोजित इस महायज्ञ में विश्व में शांति स्थापना एवं असमय काल का ग्रास बने लोगों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना की गई। नगर के नर्मदा नगर में नर्मदेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी सुनील पराशर, आचार्य पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पंडित मनोज जोशी के सानिध्य में महायज्ञ सम्पन्न हुआ। बैठवा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। पूरे नगर में, देश में, विश्व में जो महामारी ने अपना कोहरा मचा रखा है, जिसके आगे आज ये लग रहा है कि विज्ञान भी अपने ओर से पूर्ण रूप से प्रयास नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर दैविक शक्ति के रूप में यहाँ पर बेटमा नगर में आज विद्वान आचार्य ब्राह्मण गणों ने मिलकर एक दिवसीय एक कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया है और इस महामारी को दूर करने के लिए वेद माता गायत्री से आराधना की जा रही है कि हे माँ, इस महामारी से सारे पूरे विश्व को आप मुक्त करना, नगरवासियों को मुक्त करना और पूर्ण नगर के अंदर सभी का स्वस्थ जीवन रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और इस प्रकार की प्रार्थना के साथ में हमारे साथ में सभी विद्वानगण हैं और इसी के साथ में हमारे पत्रकार बंधु एवं नगर के वरिष्ठ जन भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनमें हमारे दाऊ भैया रामनिवास जी दाऊ भी यहाँ उपस्थित हैं और सभी से COVID-19 का नियमों का पालन करते हुए इस आयोजन को एक दिवसीय रखा है और आज सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर सायंकाल 4 बजे इसकी महाआरती होगी और इसी के साथ रोग मुक्ति के लिए माँ से प्रार्थना की जाएगी। सारे विश्व में जब महामारी फैलती है तो सब विज्ञान और मेडिकल पर आधारित रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जब बीमारी काबू नहीं होती है तो यज्ञ हवन और जड़ी बूटी के सहारे से उसे भगाया जाता है। बेटमा में भी आज यज्ञ हवन रखा गया है। इस विश्व में जो बीमारी आई है उसे दूर करने के लिए प्रशासन ने जो आदेश दिए हैं उसका पालन करते हुए कि कोविड में दूर दूर रहें और नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और तत्काल जो है डॉक्टर को बताएं और सबसे बड़ी वैक्सीन अगर कोई है तो वो हिम्मत है और सबसे बड़ा कोई वायरस है तो वो डर है। इस डर को भगाना चाहिए और वैक्सीन हिम्मत रखना चाहिए, कोई भी बीमार नहीं होगा। हम विश्व में इस बीमारी को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।